हेलो दोस्तों, आज हम दो पेंस का टेस्ट करने जा रहे हैं। ये दो पेंस जेल पेंस हैं। आमतौर पर हम सभी जेल पेंस को इस्तेमाल करने से बहुत बार कतराते हैं, स्पेशली जब ऑफिशियल काम हम करते हैं। उस वक्त थोड़ा सा डर रहता है कि अगर जेल पेन का इस्तेमाल किया जाए और वो अगर वॉश आउट हो गया, वो अगर धुल गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा सा पसीना भी अगर गिर गया लिखते से वक्त तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज हम दो पेंस का टेस्ट करेंगे। ये है लिंक ओशन जेल, ये वाटरप्रूफ है। ये हम ग्रीन कलर का यहाँ पे आपको दिखाएंगे, और ये जो पेन है ये है क्लासमेट ऑक्टेन जेल, ये हम रेड कलर का दिखाएंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये टेस्ट करने के लिए हम दो अलग अलग पेपर का इस्तेमाल करेंगे। मेरी दाहिने तरफ है नॉर्मल पेपर, ये नॉर्मल पेपर है 65 GSM का वाइट पेपर। आमतौर पर आप किसी भी एक्सरसाइज बुक में अगर आप लिखना चाहेंगे तो यही पेपर आपको मिलेगा। ये 65 GSM से लेकर 100 GSM तक होता है। और मेरे बाईं तरफ ये जो है ये है चाइना पेपर। ये पेपर जो है ये प्रिंटिंग कूपन ये सब काम पे आता है। पहले ये पेपर न्यूज़ प्रिंट के काम में भी आता था, पर ये पेपर अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोनों पेपर, दोनों दो क्वालिटी का पेपर है, उसके ऊपर हम लिखेंगे और देखेंगे कि वाटर प्रूफ है या नहीं ये इंक। दोस्तों पहले हम लेंगे क्लासमेट ऑक्टेन जेल, ये रेड कलर का है। पहले इससे लिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ नाम लिखेंगे तो ही समझ में आ जाएगा। और फिर हम लिखेंगे इससे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, यह है लिंक का ओशन जेल। यहाँ पर भी हम लिखेंगे, लिखते वक्त मैं ये देख रहा हूँ दोस्तों कि ये जो व्हाइट कलर का पेपर है ये इसमें लिखना आसान हो जाता है, स्किपिंग नहीं होता, स्मूथ लिखता है। पर जो चाइना पेपर है उसमें थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है। आप ऑक्टेन से लिखेंगे यहाँ पर, अब दोस्तों देख लेते हैं कि वाटर इस पे ऊपर डालने से ये कैसा आएगा। दोस्तों पानी के नल के नीचे तो कोई हम ऐसे किसी डॉक्यूमेंट को रखते नहीं हैं, पर इसलिए हम यहाँ पर पानी डालेंगे स्प्रिंकलर से। तो देखिए मैं यहाँ से पानी डाल रहा हूँ स्प्रिंकल करके, ये स्प्रिंकलर है, इससे स्प्रे करके डाल रहे हैं और ऐसे ही थोड़ी देर तक रख देंगे और देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है। दोस्तों सूख जाने के बाद आप देख सकते हैं ये मेरे बाईं तरफ ये चाइना पेपर में लिखा हुआ है और ये मेरे दाहिनी तरफ नॉर्मल पेपर में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो लिखावट है ये
कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी डालने के बाद भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे की तरफ अगर देखें तो देख सकते हैं कि कोई ब्लीड नहीं हुआ है। इसमें अगर देखें तो ये देखिए, ये चाइना पेपर है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो लिखावट था जैसा जिस तरीके का वो वैसा ही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पीछे की तरफ कोई ब्लीड नहीं है। तो दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि ये जो लिंक का ये जो पेन है, इसमें वो दावा कर रहे हैं कि ये वाटरप्रूफ है। आप देख सकते हैं लिंक ओशन जेल वाटरप्रूफ, और इसमें वाटरप्रूफ तो नहीं लिखा गया है क्लासमेट पर ये भी बताया जा रहा है कि क्लासमेट ऑक्टेन जेल जो है ये भी वाटरप्रूफ है। तो दोस्तों, ये आपने देखा लाइव टेस्ट, आप निश्चित रूप से जेल का इस पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पहले ये जान लीजिए वो वाटरप्रूफ है या नहीं। धन्यवाद।